गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। तो जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आज मिला है वो है कि जिसने भी आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की हो या अपने आप को समझा हो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती है, लेकिन थर्ड स्थिति क्रिएट होती है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के किसी चीज़ का लेना और उनके तरफ निगेटिविटी भेजना, ये सारी चीज़ें इल्यूजन स्पेल, ये सारी चीज़ें करने के बाद, जैसे कहा जाता है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो मुझे जो मैसेज मिला है वो यही है कि जिस व्यक्ति ने आपके घर को उजाड़ने की कोशिश की, जिस फीमेल ने प्रॉपर मुझे फीमेल के ही मैसेज मिले हैं, है ना, तो जिनके लिए भी हैं, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करते हैं उतना ही रखेगा। जिस फीमेल ने आपके घर को उजाड़ने की कोशिश की है निगेटिविटी के द्वारा, इल्यूजन स्पेल के द्वारा या मिसअंडरस्टूड करके, आज वो आपके सामने में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, ये मैंने जो है मुझे यहाँ पर मैसेज मिले हैं, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की वजह से उनके जो काफ़ी क्लोज वन है, जिनके लाइफ में टावर मोमेंट आया है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये जिनके लिए भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो गिड़गिड़ा रही है कि आप उनकी हेल्प करें, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप तक वो नहीं पहुँचेगी किसी भी प्रकार से, चाहे कितना भी ड्रीम में आपको आने की कोशिश करे, चाहे कितना भी आपको डिप्लोमेट करने की कोशिश करे, क्योंकि इस व्यक्ति ने, इस फीमेल ने सिर्फ आपके क्लोज वन के ऊपर ही नहीं कि आपके कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर है उनके लाइफ में भी स्टक करने की कोशिश की है। तो ये काफ़ी खुन्नस वाली कोई फीमेल है, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खुन्नस है आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और आपके सोल फैमिली मेंबर को लेकर, ठीक है। तो जैसी करनी हम कहेंगे वैसा ही भर रही हैं आपको। मुझे जो मैसेज मिला आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, नॉर्मली आप काफ़ी प्योर सोल हैं, ठीक है, आपको दूसरों के दुख से आप दुखी होते हैं, लेकिन इनके दुख से आप दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्मा का फल है, ठीक है। आप ना ही उनके लिए गलत कह रहे हैं, लेकिन आप उनके कर्मों में बीच में नहीं आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर मार्गदर्शन है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जितना दिखावा कर रही थी आपके पर्सन के पास, जितना जो भी चीज़ें ले रही थी, क्योंकि उनको लेना था, क्योंकि हड़बड़ाहट में कार्य करते थे आपके पर्सन, तो उनको नहीं पता था कि वो क्या चीज़ उनसे ले रही है जिसका प्रयोग वो निगेटिविटी के लिए करेगी। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये बाल हो सकता है, ये कोई वस्तु हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इतनी दूरी इस फीमेल ने ला दिया था। इनके साथ कोई और मेल भी है, लेकिन पूरा कार्य इसने किया है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, धन की लोभी है ये फीमेल, बहुत धन की लोभी है, ठीक है, जो मुझे मैसेज मिला है। और ये आपके ब्यूटी से तो हद से ज़्यादा जेलस है, इनको ये लगता है कि आपके जैसे ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, ये आपके जैसा यदि वेयर करे, मतलब ना आप चाहे कुछ भी पहने आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, मैं ये जिनके लिए अभी मैसेज है। और ब्यूटी इनर एंड आउटर होता है, तो आपके अंदर एक मतलब ना ऐसा लगता है कि प्योरिटी है, प्योरिटी जो अंदर है ना वही बाहर नज़र आती है। इस फीमेल को लगता है ये कितना भी आपसे कंपटीशन करे, कितना भी अपने आप को निखारने की कोशिश करे, वो आपके बराबर नहीं हो सकती। और ये क्यों होना चाहती है ये तो इसका मन ही जाने, ठीक है, क्योंकि हर उंगली पांचों उंगली बराबर नहीं होते, लेकिन ये आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत पसंद भी करती है और बहुत जेलस भी है, ठीक है, ये आउटसाइडर है। इनके साथ एक और चीज़ है कि इनके साथ जो मेल है वो भी आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, लेकिन ये जो मेल है इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया इस फीमेल का साथ दे के, ठीक है, क्योंकि इसने जैसे ही इनका साथ दिया, इनके लाइफ में इस व्यक्ति ने जैसे ही आपके तरफ ये सारी चीज़ें इनके साथ मिलकर किया, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो गई, इनके लाइफ में जो मनी का फ्लोर था वो एकदम से रुक गया, डगमगाया भी नहीं, एकदम से रुक गया, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा इसका ऑलरेडी जो है ना, इन दोनों का चंद्रमा मैं देख पा रही हूँ, और इस फीमेल का जो बृहस्पति ग्रह है कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं ग्रह इनसे, जो है चंद्रमा और बृहस्पति। और यदि आप चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ देखते हैं तो लक्ष्मी योग भी बनता है, लेकिन चंद्रमा इस मेल का और बृहस्पति इस फीमेल का कहीं ना कहीं, तो इनके पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है इस फीमेल के, और इस व्यक्ति के मन में एक अशांति है,
ये चैन से सो नहीं पाए। इनका अंतर्मन बार बार इनको धिक्कारता है कि जिस व्यक्ति ने एक ऐसे प्योर सोल के साथ आपने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये चाहे जितना भी चीज़ हो, एक प्रकार से ना ये जो मेल है ना, सब कुछ छोड़ के जाने के बारे में, जैसे ऐसा होता है ना कि अब इनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, एक प्रकार से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। ये मेल जो है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली, क्योंकि अब इनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। मतलब इनको जो ये लोभी प्रवृत्ति की महिला है वो भी इनको पसंद नहीं आ रही है, चाहे जिस भी प्रकार से इनके साथ वो रही हो, चाहे, और ये अपने आप को खुद भी नहीं पसंद कर रहे। तो जब ये ऐसी चीज़ें इनके अंदर एक उथल पुथल चल रहा है कि इस बहुत ही प्योर सोल के साथ मैंने ऐसा किया और ऐसे व्यक्ति का मैंने साथ लिया, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस मेल के अंदर चल रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बुरे कर्म का फल तो सबको मिलता है, चाहे बुरा हो चाहे, और ये फीमेल जो है ये तो बहुत टॉक्सिक है, और ये इतनी टॉक्सिक है कि इसको आपके आपसे माफ़ी मांगने में भी कुछ ये नहीं, इसने इतना कुछ किया है लेकिन फिर भी आपके ड्रीम में आकर या आपको इंट्यूटिव लेवल पर ये आपसे ही हेल्प चाहती है, ठीक है। इसको अच्छे से पता है कि किस प्रकार से आपसे कनेक्ट हो सकती है, किस प्रकार से ये आपकी ऊर्जा में एंटर कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके लाइफ में जो इन्होंने डिसबैलेंस किया था या किसी भी प्रकार की मैजिक इन्होंने की थी, ठीक है, ब्लैक मैजिक या जिस भी प्रकार की चीज़ें इन्होंने की थी आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, किसी भी प्रकार की योजनाएं, वो योजनाएं खुद इनके तरफ पलटवार हो गया है। क्योंकि इनका खुद का जो फीमेल है उनका तो मैंने जैसे कहा कि बहुत ही क्लोज वन के साथ ये आपसे हेल्प लेने की कोशिश कर रही है, इनका कोई क्लोज वन है जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन आपको आपने इनका ना हाँ या ना किसी भी चीज़ में आपने इनका रिप्लाई नहीं किया, मैंने ये देखा, ठीक है। तो आप चाहे जिस भी फील्ड में हो लेकिन आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है। दी चैरियट, ये जो मेल है ये आपसे मार्गदर्शन लेते रहे हैं जाने अनजाने यदि किसी भी प्रकार से, लेकिन अब इनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान हो चुके हैं। ये जो फीमेल है वो आपके रूप रंग से तो है ही जेलस, प्लस आपकी क्वीन वाली जो एनर्जी, आपकी जो जो आपको आपके सोलमेट, आपके जो सोल फैमिली मेंबर, यहाँ तक ये जो मेल इनसे जुड़े हुए हैं वो भी आपके बारे में हमेशा ही तारीफ करते हैं। मतलब आपको ना लोग बहुत प्योर मानते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये जो मेल है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसने गलत तरीके से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आप दूर गए हैं, तब ये व्यक्ति ये सारी चीज़ें की है ऐसा इनको लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी, ये भी अब इनको लग रहा है। इनका अंतर मन जो है ना एक प्रकार से जाग रहा है, तो इनकी एक प्रकार से अवेकनिंग हो रही। लेकिन ये जो फीमेल है वो और ज़्यादा जेलसी की वजह से, ये जैसे कहते हैं लोअर चक्र में है, मतलब ये अभी भी मनी, ये मेरा है, ये मेरी है, इस तरीके की एनर्जी में है। लेकिन ये जो मेल है ये सब कुछ अपना कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ किसी को दे दूँ और मैं मुझे एक शांति प्राप्त हो कहीं पर, ठीक है। इनको इनका मन में काफ़ी ज़्यादा अशांति महसूस हो रहा है, बहुत ही अलग एनर्जी है ना, दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन दोनों ने ही कहीं ना कहीं अपने कर्म का बोझ ये लोग कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर आपके तरफ या आपके क्लोज वन की तरफ, आपके पर्सन की तरफ इल्यूजन स्पेल तो भेजा है, डेविल की एनर्जी भेजी है, और यही कारण है कि बैकफायर हो गए, बहुत लंबे समय तक आप परेशान रहे हैं। लेकिन अब जब इनको थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है तो देखिए एक व्यक्ति का तो अवेकनिंग होगा ही। ये इंसान इनके अंतर में, इनको कोई नहीं कुछ कह रहा है, ना आप कुछ कह रहे हैं ना कुछ, इनका मन ही कह रहा है, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा मन के कारण, और इनका चंद्रमा पहले ही डिसबैलेंस था, आपसे किसी भी प्रकार से जुड़ने की वजह से इनका चंद्रमा बैलेंस हुआ था, लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस हुए इनका चंद्रमा फिर से डिसबैलेंस हो गया। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इनके पास, इनको लोग बोल रहे हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें क्यों हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके अंतर मन में है कि इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की नहीं करनी चाहिए थी। मतलब एक जागृति आती है ना, तो इनके मन में एक जागृति तो आ रही है, ये जागृति इसलिए भी आएगी, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में टावर मोमेंट आ रहा है ना। और जो डेविल की एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ भेजी है दोनों ने मिलकर, वो डेविल की एनर्जी को पूरी तरीके से परमात्मा जी हील्ड कर चुके हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले 15 तारीख को ये जो डेविल की एनर्जी है पूरी तरीके से बैकफायर हो जाएगी।
क्योंकि आपके तरफ से हट जाएगी और इनके तरफ जा रही है पूरी तरीके से। अभी तो शुरुआत हुआ है तब इतना डिसबैलेंस है। तिमून की एनर्जी, ये स्थिति है इनकी, इनका इनका जो एक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था फाइव ऑफ सोर्स में, कि बहुत ज़्यादा अहंकार की वजह से इस मेल ने इस फीमेल का साथ दिया। अब इस मेल को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक प्योरिटी इनको याद आ रहा है कि आप कितने प्योर थे, है ना। आप किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे, आपको कोई ऐसा कहता था कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, आप बिल्कुल, आपके में और इस फीमेल के में ये कहीं ना कहीं अंतर अभी कर रहे हैं, पहले भी इनको पता था। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी का सेहत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी जैसे कहते हैं ना कि मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, इस वजह से इस व्यक्ति ने अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। अपने अहंकार की वजह से आज ये व्यक्ति स्टक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स, परमात्मा जी ने आपको संभाला है पूरी तरीके से। आपका आपको जैसे इमोशनली डिसबैलेंस होने से, इन लोगों ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे लॉस नज़र आ रहा है, जो हुआ है इमोशनली, जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा इन लोगों ने करवाया था आपके और आपके पर्सन के लिए। पर्सन मैं जब कहती हूँ, किसी ने कमेंट किया था तो आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। पर्सन तो नहीं हो सकते, कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। पर्सन जब मैं कहूँ तो आप मैरिड हैं तभी हो सकता है ना। तो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं स्टक किया है आपको, लेकिन आपको जब स्टक किया गया था तो एस ऑफ कप्स में परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से थाम लिया और कहीं ना कहीं दी एम्परर वाली एनर्जी में आपको, जैसे ये लोग ना आपको गिराना चाहते थे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि ना, अच्छा ये लोग ऐसा नहीं है कि फीमेल आपके पर्सन को बहुत, मतलब ये अपनी ही नहीं है, अपनों की ही नहीं है, ठीक है, तो किसी और की। यही तो कारण है कि इस मेल को समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है, ठीक है, कि भले ही आप दूर थे, भले ही आपसे जो भी रहा हो, ठीक है, चाहे जैसे बाकी लोगों के जैसे भी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आप इनको पलट कर भी देखना नहीं चाहते। यही चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इसी वजह से ही देखिए अवेकनिंग कभी भी किसी की कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि अवेकनिंग इन्हीं से ही होती, नहीं होती, अवेकनिंग कहीं भी किसी से भी हो सकती है, कार्मिक स्थिति से भी हो सकती है, ठीक है। तो इस व्यक्ति की अवेकनिंग अब होने वाली है। और ये जो फीमेल है ये तो बहुत लोअर वाइब्रेशन में है, इसका तो अभी दूर दूर तक, अभी तो इनके बुरे कर्म का फल प्रारंभ हुए हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ आपसे जेलस है, जिसकी वजह से और आपके पर्सन के इनमेच्योरिटी का, हड़बड़ी का इस महिला को काफ़ी लाभ मिलता था, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसने ये सारे इल्यूजन स्पेल किया है। और जैसे कि मैंने कहा, इस मेल को तो बस कोई ना कोई चाहिए था जो आपसे डिस्टेंस इनका दूर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। टू ऑफ वॉन्ड्स से दूर से देख रहे हैं आपको, आपकी किस्मत, आपको काफ़ी लकी समझते हैं, ये जो मेल है वो आपको काफ़ी लकी समझते हैं, खुद के लिए भी, लोगों के लिए भी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज फीमेल की लाइफ में ये चल रहा है, यही मैंने ड्रीम में देखा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे मैसेज भी मिला है। ये स्थिति है इनकी, इनका जो पर्सनल लाइफ है, इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है, पूरी तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये उजाड़ना चाहती थी आपका, इनका खुद का उजाड़ा है, ठीक है। और आपको ये एक लाइट वर्कर के रूप में देखती है और इनको लगता है कि आज भी आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्स, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके साथ छल किया है और इसी का ही इनको जो इनके बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। देखिए फल देने वाले को इंसान कुछ नहीं होते ना, फल तभी मिलता है किसी भी चीज़ का जब परमात्मा जी देते हैं, क्योंकि जो वायु है, जो हवा है, वो भी परमात्मा जी की कृपा से ही बह रही है, जिसकी वजह से हम आज ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। तो सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, और लोग अपने अहंकार में आकर ये चीज़ भूल जाते हैं, जो चीज़ें उनको मिलती है उस चीज़ से भी वो ज़्यादा चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ भी छीन जाती है। तो आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपको ये डिस्टेंस करना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि एंजल्स, डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। फोर ऑफ कप्स, आपको इतना सारा प्रेम मिलने वाला है, मतलब डिवाइन जी की एक दैवीय कृपा आपके ऊपर होने वाली है।
कि बहुत लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, बहुत लोग, और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो भी, प्लस जो दूर चले गए हैं उनको भी आपकी कमी खलने वाली है। ठीक है, अब आप खुद ही समझ जाइए कि आप कितने खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, जो जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की वो भी कहीं ना कहीं आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, और जो आपसे आपके हेटर्स बने फिर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो खुद को, खुद से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि आप वो हैं। ठीक है, आपको कोई लेट गो नहीं कर सकता, आप लेट गो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं छोड़ सकता। ये बात यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं वो भी आपको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो प्योरिटी है, वो निष्ठा है, वो ऑनेस्टी है, जो जिसे कहते हैं ना कि एक बाहरी रूप रंग तो मिल जाएगा लेकिन आंतरिक खूबसूरती कहाँ से मिलेगा। वो तो एक डिवाइन ब्यूटीफुल होता है, वो डिवाइनली ब्यूटी है आपके अंदर। ठीक है, कि आप जिनके लिए जो करते हैं वो दिल से करते हैं, भाव से करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा डिवोटी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। भले ही इस ये सारी चीज़ों के लिए आपने काफ़ी सुना होगा पहले, लेकिन वही चीज़ें आज आपके लिए, देखिए लाइट्स जो है ना ऐसा हुआ क्योंकि वही चीज़ें आज आपके लिए एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट आपके लाइफ में ला रहा है। तो अपने जो आपके हेटर्स हैं वो भी आपसे हेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी इन लोगों के साथ आपका कर्मा या आपके किसी क्लोज वन का कर्मा था वो बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई ऐसा प्रपोजल भी मिल सकता है, और आपके साथ इनका जो कर्मा बैगेजेस जो था या आपके किसी क्लोज वन के साथ था वो बैलेंस होने के बाद भी ये लोग जो आपके तरफ मून की चीज़ें कर रहे हैं ना, तो इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है और आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको डिवाइन जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे किसी भी निगेटिव एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है बिजनेस का। ठीक है, यदि आप कोई वर्क करते हैं तो आपके वर्क का कोई व्यक्ति आपकी निष्ठा को देखकर काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रभावित है। ये मुझे पिछले कई समय से ये मैसेजेस मिल रहे थे कि कोई व्यक्ति आपको दूर से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में जो चीज़ें आपके अंदर है वो होना बहुत रियर है, और वो उन्हीं के अंदर हो सकता है जो दिल से मानते हैं, भाव से मानते हैं परमात्मा जी को। जिन्होंने आपके साथ छल किया वो अभी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता चल गया है कि और भी ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर रहे हैं। ठीक है, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में ये डिसबैलेंस कर सकते हैं, ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सन के तरफ ये बीच बीच में भेज सकते हैं या भेजते आए हैं, लेकिन आपके तरफ नहीं कर सकते क्योंकि आपके चक्रा काफ़ी ज़्यादा अलाइन में है। आर्कएंजल यूरियल जी यहाँ पर आपके चक्रा को बैलेंस करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यदि आपके पर्सन भी मेडिटेशन ध्यान में हीलिंग में ध्यान दे रहे हैं तो उनके तरफ भी ये चीज़ें ज़्यादा असर नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये देखकर ये फीमेल को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं है ना, वो तो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं आपसे जेलस होकर ये सारी चीज़ें कर रही हैं। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप लोगों के प्रति तो दया भाव रखते ही हैं, प्लस आप जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके क्लोज वन आपके पर्सन के लिए मृग तृष्णा के पीछे ये व्यक्ति बहुत भागे हैं। ठीक है, इनको हमेशा ही हड़बड़ी में ये काम किए हैं, इनको लगा कि इनका जी जी हाँ हाँ करने वाले लोग इनको काफ़ी पसंद आए हैं, और आज इसी का ही कर्म का फल ये भोग रहे हैं। ये आपके आसपास के व्यक्ति के लिए भी है। ठीक है, इस व्यक्ति ने भी काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस अपने लाइफ में बुलाए थे, क्रिएट किए थे ऐसे फीमेल के आसपास रहकर। एक फीमेल हो चाहे बहुत सारे हो, चाहे मेल हो चाहे बहुत ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक हो, चाहे ये एक बार में किसी की बातों में आ जाते हो, चाहे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, चाहे बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ें। देखिए टॉक्सिसिटी कब ज़्यादा असर करती है, जब व्यक्ति के अंदर खुद ऐसी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि आज की स्थिति में ये ना हो, लेकिन पहले की स्थिति में ये स्वयं भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक में थे, चाहे उसे किसी भी अगर आप
उस चीज़ को ऐसे दिखा देंगे कि नहीं मैंने ये सब इसके लिए किया, उस किसी के लिए नहीं किया, खुद के लिए कर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति चेंज है, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने ही एक सारे कार्मिक बैगेजेस को बढ़ा दिया था। ठीक है, अब आप जब हील्ड कर रहे हैं तब इस व्यक्ति को भी हीलिंग मिल रहा है, और इनके साथ साथ और भी लोगों को हील ये चाहते हैं। बहुत से लोग आपके आसपास आना चाहते हैं, बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग पावर है। इनको ये लग रहा है कि आप यदि आप माफ़ कर सकते हैं, आप फॉरगिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने फॉरगिव किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है, आप फॉरगिव इसलिए करते हैं क्योंकि आपको परमपिता परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप ना भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, और ये एक बहुत मतलब व्यक्ति में ये चीज़ रहती ही है ना। हम जब 3D में रहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार दो बार ये सारी चीज़ें करते हैं तो तीसरे बार ये एक रहता ही है, लेकिन अब आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, वर्तमान में जी रहे हैं आपके लिए, कल भ्रांति केवल आज मौजूद है। तो अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो तुरंत उनको कर्मा बैकफायर हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके अपने हो चाहे पराए हो। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके अपने आप को हील्ड रखिए। हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर।